हमने हृदय कैसे कैसा थे अरदार ने जा रहा छोरा खड़े अब आगे कह दियो सरकार ने आगे और अब इससे कहा तो थाने साढ़े ठोक देंगे भाई और जब मन एकलन भी ले जाएगी आप अरेण में त्यारा बलराज कुंडू खातर तो जान देश का जेल तो क्या चीज है कान खोल ले अपने गुंगी बैरी सरकार अरे की बार कान खोल भी देंगे जिस दिन चंडीगढ़ जाओगे ना लाखों की तादाद में जाओगे और ओड़ा खट्टर अपनी तोब ने ले भी आओगा और अगड़ रहे हम छोरे डर देखो ना आ जाएगा जो दम होगा वो ला लेगा और इस पलटा गिरड़ इतना कुआ देंगे अगर जो गिरड़ दायर होगा भूल भी जाएगा सीधा होना था बलराज कुंडू खातर तो मना भाषी टूटना पड़ मैं टूटने तैयार हूँ भाई साहब साहब 20 आदमी ने 5000 बेटियां शादी कर रखे जो गरीब परिवार की है जनूर है और भाई साहब किसे किसान की मैच मुर्गी मान ले रोड पे एक्सीडेंट हो गया उसका घर जाके चेक पकड़ाया किसान की फसल जल गई कि आज तक किसे सरकार को दिन दी 10,000 रुपये एकड़ फर मैं हल्के के अंदर किसे किसान की फसल जल गया है ने उसने देवा है बाड़ी खराब हो गई थी पाछा ही को मोर पंजा सपरा मार गया मोर पंजा हो गया 70-80 किले एकड़ा जमीन दी 10-10,000 रुपये किले जाके ने दिया है किसाना का गरीबा का हर वर्ग का छत्तीस बिरादरी का जो योड़ है वो करे है ने उसका कायल हो जिम्मे जो ए टू जेड हरियाणा दग जब हरियाणा हरियाणा हलचल लोकल एक्सप्रेस चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम नारनूंद में फिलहाल आप खड़े हैं और जन जागृति यात्रा का 10वां दिन बलराज कुंडू जो निर्दलीय विधायक है मैं मलकत है यानी आज 10वां दिन करीब 250 किलोमीटर एक विधायक के लिए हालांकि इतना पैदल चलना बहुत बड़ी बात हो जाए है क्योंकि ये धोले कुर्ते पैर बचा अपना पता है मानस पर बहुत कम चलिया जाग रहे हैं लेकिन एक धरातल लेवल पर लगातार काम करते आने लग रहे हैं और प्रत्यक्ष नबला प्रमाण की जरूरत नहीं होती 18 बस छोरियां खेतर लगाई है जो थोड़ा मैं अपना बताना चाहूँगा यानी कॉलेज में पढ़ने वाली छोरियां खेतर 18 बस अपना बजट था अपना पास था लगा रखी जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सारी लड़की जाऊँ है बहुत सारी खिलाड़ी इसी हैं क्योंकि पीछे भी हमने एक सीसर खास में जो मदद करवाई थी कुंडू साहब से फ़ोन कराया था फ़ोन कर दें टाइम से भी 5 मिनट पहले आ गया बड़ी मदद उड़ा करी थी और चाहे रक्षाबंधन की आप बात करा एक ऐसा MLA है जो मतलब हजारों की संख्या में यानी अपनी एक धर्मबाण मायन करना बनाई भी हैं जिस तरीके से अजय की आप बात करा जो बरोदा गांव था बरोदा बिटाना किसान आंदोलन में यानी उस हलकत है पहला किसान जिसकी जान गई थी किसान आंदोलन में उनकी जो धर्मपत्नी तीन उनके बेटी थी उसको धर्मबाण बनाया था उनकी तीनों बड़का की पढ़ाई का खर्चा भी अपनी जिम्मेदारी ली थी यानी बहुत सारे खिलाड़ियों तक और चाहे रक्षाबंधन की आप बात करा या किसी के गरीब आदमी उसका सहारा लाने की आप बात करा तो एक अलग रुतबा अलग नाम कमाया है बलराज कुंडू ने और इस यात्रा में मैंने कहा करा कोई ना कोई एक खास आदमी ऐसा बन जाग रहा है एक खास पहचान ऐसी बन जाग रहा है भाई देवेंद्र फरमाणा है निंदाणा फरमाणा हाँ जी फरमाणा है यानी ये तो नहीं कह सकते पूरा जाड्डा है पर अड़का अड़का जाड्डा भी है गर्मी भी है पर यू भाई पूरा दिन कच्छा कच्छा में रवे है क्यों रवे है क्योंकि एक भगत कैश कहाँ पा और पूरी डेकोरेशन शाम भी तो दिख जाएगी अपना जो जल खैर की है जन जन ने पुकारा बलराज कुंडू हमारा और पाछे भी है कि अच्छा भाई सत्ता परिवर्तन ही व्यवस्था परिवर्तन तो भाई एक बार अपना पूरा परिचय दे दो मैं आप सबसे पहले तो मैं आपके सभी चैनल को देखने वाले दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम भाई साहब मेरा नाम देवेंद्र फरमाणा है मैम के पास में मेरा गांव है और मैं बलराज कुंडू का भगत हूँ ये मेरा भगवान है क्योंकि जो आदमी भगवान कौन हुआ भगवान वो हुआ है जो भाई मुसीबत में काम आवे और मैं मलके के अंदर किसी की मुसीबत हुआ बलराज कुंडू की मुसीबत हो गया भाई साहब भगत आप 10 दिन तक बने हो पहला 8 साल तक भगत हूँ भाई साहब अच्छा गिल्ला रहे हो गिल्ला नहीं भाई साहब काम भी करूँ हूँ अच्छा। मेरा भगवान की दाद ठीक है घर परिवार भी 3 भाई है 3 नु 17 डाल रहा हूँ सारे शादी सुधार सब काम बढ़िया है लेकिन मैं इसका भगत हूँ सुबह बजे करो डेकोरेशन मैं सुबह 8 बजे कर लिया करो अच्छा और रात ने 8-9 का टाइम हो जाए 10-20 बजे ठंड नहीं लगती ठंड के जी भाई साहब भक्ति में शक्ति हुआ है अच्छा मैं भक्त हूँ भक्ति में शक्ति हुआ है या सच्चाई है मन अंगड़ जो दरी जब हम तरखी दादरी इधर निकले थे तो बारिश आने लग रही थी रात का टाइम था आपने देखे भी होंगे उस टाइम पर और तो सारे पन्निया तले भी थे कोई लेकिन मैं ऐसे ही आगे आगे चल रहा था और जब ना तो मेरा खांसी हुई ना जुकाम है गला हाथ थोड़ा नोचा करे ला दे जब जो गरीब जो भाई बोले बलराज कुंडू का आशीर्वाद है अपना निखासी जुकाम भी हुआ अच्छा जिस तरीके से भाई आप भगत मान रहे हो अपने आपने और साथी भी हैं जो बलराज कुंडू ने सपोर्ट करे उनके साथ में आए तो आपने यू कुर्ते काट के चलने का तरीका कोई पब्लिसिटी का तरीका अपनाया या मतलब यह क्यों मनवाई कि मैं कपड़े काट के चलूंगा देखो जी एक तो सबसे बड़ी बात यह है अगर भाई
मैं भाई का अलग तरीके से प्रचार करना चाहूंगा। अच्छा, इसको जो, क्योंकि इसने है ना मेरे हल्के के अंदर जो काम करे हैं, हल्के के लिए पूरा हरियाणा प्रदेश के लिए जो आवाज उठाने है, काम करे हैं, इसके लिए मैं अलग तरीके से प्रचार करना चाहूँ। भाई साहब अभी मैं नुए हूँ, मेरे घना नहीं कहता, मोड़ ताड़ती कम से कम विचार से पंच सात मैंने मेरा फोटो भी लिया है, बलराज कुंडू के बारे में कुछ लिखे ना, अलग अलग हर रोज अलग टाइटल हुआ है, वो कम से कम 500 आदमिया ने 5-10 हजार आदमिया तो भेजा भी होगा, उसके साथ साथ में भाई बलराज कुंडू का प्रचार हुआ है। मतलब आपका मकसद है बलराज कुंडू, बलराज कुंडू का प्रचार करना। और एमएलए तो अलग की खासियत लगा आपने इनमें? इसके अंदर भाई साहब सबसे बड़ी भाईचारा की खासियत है, जिसके गिले भी जो भी आप है ना, कोई भी पूरा हरियाणा प्रदेश में को जानता हो चाहे ना जानता हो भाई, कदे भी विश्वास के देख लियो, एक बार इसके पास चले जाइयो, इसे डाल एक दो घंटा का टाइम देगा और इसे डाल बतलाओगा जो मुझे कई साल की जानकारी है, खाना खाए बिना आने देनी, चाह पानी को, और जो भाईचारा आपस में जो अपने गाँव में रिवाज है ना, अपना हरियाणा की पहचान है, आप बैठ चाह पानी हुआ नू की नू, इसके द्वारा आपने इस विधायक द्वारा मिलेगी जी। इस यात्रा में उस टाइम तो शुरू हुई, अब देखने लायक रहने को आग्रह है, फैंसी बाथरूम जिन्हें बोला है, हाँ। उनकी सुविधा के क्या है इस यात्रा में, तो बलराज कुंडू की तरफ से दी गई है सब खेतर? देखो जी, सारी सुविधा लेटरिन बाथरूम की, नहाना के पानी की, मैं सामने जाऊंगा मनागे एडवांस में ताता पानी मिल जाए, हर मेरे तो नहागे जी सा हाँ जी है, और है का कहता हुआ सब ने रोटिया के और सब क्या है कि आगे आगे बढ़िया व्यवस्था मैंने ला रही है, और मैं तो अनुकू हूँ हर हल्के के अंदर एक बलराज कुंडू होना चाहिए, मैं तो कोई आगे भी जो भी मान लो कोई भी पैदा बच्चा पैदा हो, मैं हे भगवान हे देवी माता इसे बालक पैदा करिए, घर एक के कोख में बलराज कुंडू पैदा हुआ है। अच्छा, हाँ जी, खाना पीने की व्यवस्था जो उरे देखी है बलराज कुंडू द्वारा करेगी? बलराज कुंडू द्वारा देखो जी, हमने इतने तो अंदर का तो बेरा को नहीं, लेकिन आगे जो जित भी जावा, हाँ हमने तो जित भी दूध का पाव है, खाना पीना पाव, इतना बढ़िया पाव, इतना बढ़िया पाव है, घर ने भी फैल करा है। अच्छा, हाँ जी, हमने एक वीडियो में आपकी एक चीज देखी थी, आप कह रहे थे एक भाई ने बोले, उसने पूछा कि आप उन खतर के कर्सको, आप कह रहे थे बोले चक्कू लिया, बोले एक टपका खून का वो कर दो भाई साहब, वो तो प्रत्यक्ष को प्रमाणित करने की जरूरत के है, तो वह कोला ले रहेगा वो धर ले, इतने जो कोला मैं कोला कर सकेगा हाथ नहीं होगा, या तो प्रत्यक्ष करने की जरूरत है, आड़ धर देता हूँ, इसका तो भक्ति है भाई साहब, ये तो कोने भाई का वो भक्ति है, इतनी इतना भी क्यों, मैंने बता दिया मेरे हल्के के अंदर भाई साहब, इस आदमी ने 5,000 बेटिया शादी कर रखे जो गरीब परिवार की है, और भाई साहब किसी किसान की महस मरगी मान ले, रोड पे एक्सीडेंट हो गया, उसका घर आज आगे चेक पकड़ाया, किसान की फसल जल गई, कि आज तक किसी सरकार को दिन दी 10,000 रुपये एकड़ पर, मैं हल्के के अंदर किसी किसान की फसल जल गया है ना, उसने देवा है, बाड़ी खराब हो गई थी पाछे ही, को मोर पंजा वो सपरा मार गया, मोर पंजा हो गया 70-80 किले एकड़ जमीन दी, 10-10 हजार रुपये किले जाके ने दिया है, किसान ना का गरीबा का हर वर्ग का छत्तीस बिरादरी का जो योड़ है वो करे है ना, उसका कायल हो जी, मजे घना कटक कती घना कसूता, मन गुहू हे माम न जाए भी जन्म देव है, अरे ऐसा बलराज कुंडू भगवान बनाए जाइए और मन उसका भगत बनाए जाइए। जिस तरीके आप पैदल चलने लग रहे हो, पैदल चल दे रहे हो, और पार्टियां के लोग भी हो गए, कुछ न कुछ हमला अपने कटाक्ष करने वाले भी मिल दे होंगे, बकवास है पाखंड करें दिखावा करें, इस तरीके की चीज भी मिली है, मेरा दूना जो सा हो भाई साहब। अच्छा, मन को टोकदार हो ना, मेरा सुहा था हो, मो खो तो भाई साहब जो कि मालिक कटाक्ष करे है वो जड़ है, और वो क्या करेगा, 5 आदमियां और बताओगा वो हमारा प्रचार करे है, विरोधी भी प्रचार करे भाई साहब, जितना भी जिक्र होगा वो प्रचार होगा भाई साहब। हाँ, कितना के मतलब लोग स्वागत करे हैं, जिस तरीके आप जाओ किस तरीके से स्वागत करे लोग भाई साहब, पूरे के पूरे गांव उठ के आओ हैं, पूरे के पूरे गांव, मातृ शक्ति का इतना योगदान, मैं तो मान्या करता भाई साहब, सच्चाई बता दूं, मैं मलका है, मैं बलराज कुंडू खतर मातृ शक्ति का अरबाना का आशीर्वाद है, मैं तो बाहर हल्का तो बाहर लग रहा हूँ, तो मैंने देखा और तो भी गणा है, अच्छा हल्के से बाहर और भी गणा है, मन तो नू लगा है, अगर ये प्रभु मैं तो नू देखना चाहूंगा कि एक बार हरियाणा का खतर इसने मौका मिले, और हर हल्का में विकास की गंगा बह, हरियाणा का सीएम देखना, हरियाणा के सीएम के मन तो भगवान मार रहा, खैर सीएम बन जाए तो मैं तो नुगू ए पब्लिक, मैं वादा करूं अगर यू आदमी ने सीएम बनाने का मौका दे देने, अगर जाइयो अपना हरियाणा प्रदेश के लगातारी कर जा, तो मैं उससे दिन अपना शीश काट के दे दूंगा भाई साहब, मना अपना आप इतना भरोसा है, क्योंकि भगवान कभी गलत नहीं कर सकता भाई साहब, मैं इतना वो है। चलो एक हमारे ताऊ जी राम राम। राम राम। आपका नाम? सतबीर है। सतबीर है, गांव कौन सा है? टिटोली। टिटोली, तो यह उखटी गले रखो कुकरे गले रखो गाड़ी में नहीं हुए गाड़ी में अरे आग कड़ा बनाओ करी आग राम राम है
बैड फूक है। अच्छा बैड फूक है। अच्छा आप भी अपना हल्का और जिला भी दूसरा है, इतनी दूर तक आए हो, के मतलब लग गया इशार जिला में होगे नाना रोहतक में, तो मतलब किसा के लग गया अपना इस हल्का में ले मारा है गांव में जा रहा है टिटोली में जा रहा है किसे के लगे लोग इस साइड बढ़िया है। आप भी बलराज कुंडू की टी शर्ट पहन रहे हो, क्या खासियत लागे इस आदमी में? ईशा के गिल्ले रहा, ईशा के गिल्ले मरांगे, ईशा के गिल्ले जीवांगे। क्या तो ईशा क्या अच्छा है? ईशा के में भगवान ने यू है। अच्छा मुंह तो नहीं है अखमीच के लाग रहे थे? ना अखमीच के किमे लाए भगवान करा दे। क्या खासियत है इस दिन मतलब, तो भगवान तक ज्यादा विश्वास करे, कुछ तो खासियत हो गया भगवान का भी यू बेचार बनेगा, इसका ये सीएम बनेगा। घना बड़ा सपना तो नहीं? बड़ा ही सपना है। अच्छा सीएम बनेगा कति करना जाए तू देख भी लिए, इतनी पब्लिक इले लग गया बातें सब कमीशन चाव है कोई चक्कर है नहीं कोई। देखो सपना लेवा और छोटा लेवा या तो सपने की तो ही होगी भाई साहब। अच्छा। जब तक बड़ा सोचा नहीं गया तो बड़ा करेंगे कैसे? आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इस प्रदेश ने आवश्यकता दी एक अच्छा इंसान की, जो युवाओं के लिए लड़ सके, किसानों के लिए लड़ सके, मजदूरों के लिए लड़ सके, मातृशक्ति खिलाड़ियों के लिए लड़ सके, उसकी आवश्यकता दी। भी आवश्यकता आविष्कार की जननी आविष्कार कर लिया हरियाणा ने, अरे खोज लिया है बलराज कुंडू भाई साहब। और मद अनुगू या सरकार इन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, पहले एक बार इसका कुआं ईडीओ छापेर कुआं केमेर कुआं केमे इसने कान खोल ले अपने गुंगी बहरी सरकार, अरे इसकी बार कान खोल भी देंगे। जिस दिन चंडीगढ़ जाओगे ना लाखों की तादाद में जाओगे, और ओड़ा खट्टरा अपनी तोब ने ले भी आओगा, और अगड़ रे हमें छोरे डर देखो ना आ जाएगा जो दम होगा वो ला लेगा। अरे इसने कड़ा पलटा गरड़ मिनट गरड़ मिनट गरड़ आने इतना खुआ देंगे, अगर जो गरड़ दायर होगा भूल भी जाएगा सीधा होना था, पलटे इतने खुआ देंगे। सरकार के खिलाफ बोले सरकार केस भी लाओ भाई साहब। अरे कैसा मैं अनुकू हुआ सरकार केस ले गया हो, हमने डर दे केस कैसा दे अरदार ने जा रहा छोरा खड़े अब आगे कह दियो सरकार ने आगे आड़ बेच का आप थाने साढ़े ठोक देंगे भाई। और जब मन एकलन भी ले जाएगी आप रेण ने तेरा बलराज कुंडू का तो जान देश का जेल तो क्या चीज है। अरे भगत सिंह जैसे 18-19 साल की उसके अंदर जोश, उस मर गया अंदर उसके अंदर जोश था, मैं कोशिश करूं मेरे अंदर भगत सिंह एक बार उसकी आत्मा आ जा, मेरी 28 साल एज होगी भाई साहब, अरे एक बार को भगत सिंह मेरे माँ आ जाए, मैं तो बस बलराज कुंडू खातर था मेरा भाषी टूटना पड़ जाए, मैं टूटने तैयार हूँ भाई साहब बलराज कुंडू से। चलो भाई वह चीज़ है, अपनी अपनी सोच अपनी अपनी समझ पूरी थापी ठोक ठोक दावे करे हैं भाई ने देवेंद्र फरमाना, तो एक भगत हैं जो बलराज कुंडू के बताया, हालांकि उनके काम भी इन्हें बताए हैं और प्रदक्षिण प्रमाण की जरूरत नहीं होती, आप सबने पता भी है। जन जागृति यात्रा का आज 10वां दिन नारनूंद में एंट्री होगी है, 4 दिन 3 दिन 4 दिन इस हर जिले में लागे भी गए, और 18 तारीख ने इसका समापन होना है चंडीगढ़ में, जो 20 ने होना था वो कुंडू साहब ने बताया कि 18 तारीख ने होना है। तो इन सारी बातों में आपका के मानना है, आपकी के सोच है, कितनी का अपना सच्चाई लागे है, आपकी सोच कब है के है, कुछ बदलाव लेके आओगे, कुछ हरियाणा की राजनीति में बदलाव आओगा, जो बलराज कुंडू की पर्सनल राजनीति उसमें के कुछ बदलाव होगा, इस निशान के बारे में, इसके कामों के बारे में आपने के लगे हैं, आपने सोच विचार आपकी जो विचारधारा वो हमेशा की तरह एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपने जरूर देनी है, और यह वीडियो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, और बीच में अपना काफिला जरूर दिखावाएंगे, हर गाड़ी हर ट्रैक्टर और हर इंसान का हाथ में आपने केवल तिरंगा झंडा दिखा, यानी तिरंगा के नीचे यह यात्रा चल रही है, यानी देश की जो आन बान शान है तिरंगा झंडा इस पूरे हिंदुस्तान की, उसके लिए तो आपने अपने विचार जरूर देने, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। जय जवान जय किसान। धन्यवाद भाई, ठीक है भाई।